The Bhuvneshwari Durga Temple within the premises of the 2nd Battalion of the Odisha State Armed Police in Jharsuguda came alive on Vijay Dashmi, with members of the Nepalese Gurkha community participating in the celebrations. The community members took part in the festivities in accordance with the traditions followed in Nepal. बोला जाए तो सभी विधि विधान एक ही है, फिर भी अपना देश रीति लोकाचार जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। तो सभी जितने भी है गोरखा बटालियन नेपाल से हैं और सब लोग वहीं का परंपरा चाहते हैं, इसलिए हम भी वहीं से हैं और वहाँ का परंपरा यहाँ लेके रखे हैं। और यहाँ के सारे भाई भी उस परंपरा को देखते बहुत खुश होते हैं, आते हैं, और इसलिए हमको भी अच्छा लगता है। इसलिए हम वो परंपरा बचाए रखने के लिए अभी तक उसी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाद में की करने का उम्मीद है। Staying true to their tradition, seeds of 5 different crops were sown during Navratri, and the sprouted seeds were offered to devotees on the Sera as a symbol of blessing and prosperity. जितने भी है ऑफिसर लोग भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, झारसुगड़ा के सुंदरगढ़ से बहुत आते हैं पूजा करने के लिए। हमारा जो दशहरा है, जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये जमेरा है और ये टीका है, इसको लेके हम लोग घर जाते हैं। जैसे कि इसमें चावल है और थोड़ा दही ऐसे मिला के, घर के जो सबसे बड़े होते हैं वो हमें लगा के, मतलब जैसे कि दक्षिणा होता है वो दक्षिणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। The community also performs Durga Puja at the temple, which is themed on the famous Pashupati Nath temple in Kathmandu.